करिए कि जो हम लोग सब साथ में बैठे हैं उनका शुक्रिया करिए कि हम लोग गए एक दूसरे को सुनने के लिए और आप इतने दूर से आए हैं हमें सुनने के लिए। और आज मेरा ये पहली मीटिंग है तो इसलिए मैं आप लोग का धन्यवाद करती हूँ और हमारे सीनियर्स का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और मैं अभी सब महिलाओं से ये अनुवाद करना चाहती हूँ, महिलाओं का मतलब क्या होता है अब मोह से होता है महान, ही से होता है हिम्मत, लो से होता है लज्जा। ठीक है, जब एक महिला ये सब से गुजर के जब बाहर निकलती है तो महान बन जाती है और उसके अंदर वो हिम्मत आ जाता है। तो वो हिम्मत हमें जगाना है। वो हिम्मत कैसे आएगा हम लोगों में, जब हम एक दूसरे को जानेंगे और पहचानेंगे। और पहचान तक इसको, जैसे अभी आप हैं, आपको कितने लोग पहचानते हैं। आज मैं आप लोगों को परिचय कराना चाहती हूँ कि जानना कितने लोग आपको जानते हैं। एक महिलाओं को कितना जानता होगा, 100 लोग 200 लोग 300 लोग। ठीक है, हमारा जो डिएक्शन है इससे करोड़ों लोग जानेंगे आपको। वो कैसे जानेंगे आपको, उसके लिए आपको प्रयास करनी पड़ेगी। प्रयास करनी पड़ेगी कि एक छोटा सा अपना पेस्ट अगर हम उसको यूज करते हैं तो वो क्या क्या फायदा देता है आपको। आपका पीठ को साफ करता है, आपके मुंह में जो बदबू आती है, किसी के मुंह में बदबू आता है वो क्लीन करता है, किसी के चेहरे पे दाग धब्बा होता है उसको साफ करता है, किसी को सिर में बाल नहीं रहता है तो वो लगाते हैं उसको ठीक कर देता है। आपको इतना सारा बेनिफिट देता है वो, आपको जानना है उसके बारे में कि भाई इतना सारा बेनिफिट देता है एक छोटा सा टूथपेस्ट, और वो आपको करोड़पति अरबपति बना देगा। वो कैसे बनाएगा, आप प्रोफेसर को जानते हैं, आपको कितने लोग जानते हैं, सब जानते हैं। कैसे जानते हैं प्रोफेसर को आप लोग, ये रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, जब भी जब वो प्रोफेसर सर आए थे तो उनको एक ही प्रोडक्ट था, उन्होंने एक प्रोडक्ट से आज उसको पूरी दुनिया जानती है। ये रिएक्शन का ताकत है कि रिएक्शन के प्रोडक्ट से आज उनको पूरी दुनिया जान रही है। तो आपको जानना है तो वो प्रोडक्ट को जानिए। और ऐसा जैसे कितने लोग बोलते हैं कि हमको प्रोडक्ट को सेल करो, आप सेल करने की सोचो, आप वो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एडवर्टाइज करिए कि ये प्रोडक्ट में हमारा इतना इतना ये सब की बेनिफिट है। जब आप एक लेडीज दूसरे लेडीज को कोई प्रोडक्ट बाजार से खरीद के लाती है तो आपको बाजार वाला कुछ भी नहीं देता है, लेकिन आप क्या देख के लाती है उसको, एड देख के लाती है। आप एड देख के लाते हो ना कि वाकई वो एड बहुत अच्छा है, वो चीज बहुत अच्छा है, हम लाएंगे। और जब आप लाती है उसको यूज करती है तो आप 10 लेडीज को बोलती है, 10 लेडीज को बोलती है तो 10 लेडीज को असर पड़ता है, अरे यार ये तो बहुत अच्छा चीज है, वो भी बड़ी गोरी दिख रही है, आज मैं भी लगाऊंगी तो मैं भी गोरी दिखूंगी। ठीक है, तो औरतों का ऐसा मेंटालिटी होता है कि हम एक दूसरे को सुन के वो चीज को यूज करते हैं। और वो चीज को यूज करने के लिए कैसा है कि हमें बोलना पड़ेगा, उसकी बेनिफिट बतानी पड़ेगी उसको, उसके बारे में बताना, चर्चा करना पड़ेगा कि अरे बाबा ये बहुत अच्छा चीज है। तो दुनिया में अगर कोई भी चीज जैसे आप कमाना चाहते हैं आप कैसे कमाएंगे, कमाने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे सब लोग बोलते हैं हमको पैसा चाहिए, पैसा कैसे आएगा आपके पास, जब तक आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होगी कि आप उस चीज को जानेंगे नहीं कि पैसा कैसे आता है। पैसा आसान नहीं है कमाना, पैसे के लिए आपको दिमाग की जरूरत है। आप जब दिमाग यूज करेंगे तभी पैसा आएगा आपके पास में, तब आपका नाम होगा। प्रोफेसर सर को आज दुनिया जान रही है, इस तरीके से जान रही है, उसको डिएक्शन की वजह से जान रही है। हम लोगों में वो, हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो फ्रेशिंग वाला प्रोडक्ट है, उसमें सबका आशीर्वाद है। मैं सबको ताली बजाने याद नहीं बोलूंगी, अगर मेरी बात अच्छी लगी तब आप जोर से ताली बजाना, वरना मत बजाना। हमारी बातें वो आपको अगर अच्छी लगे तब आप बजाना ताली। इसलिए मैं लेडीज लोग से ये बोलती हूँ कि लेडीज, जैसे कितनी लेडीज सोचती है अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा, ये कहाँ से आता है आपके अंदर, ये आपकी सोच, ये आपकी सोच है जो आपको आपके कदम को रोकती है। तो उसको सुनना नहीं है, आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोचिए। जिस तरीके से हमें कोई चीज, अगर हमें एक
ayude. हस्बैंड से भी बोलते हैं मेरे को ज्वेलरी देना बहुत अच्छा लगा था मुझे चाहिए वो, और पूरा फोकस पूरा माइंड उस ज्वेलरी के ऊपर करती है। उसी तरीके से हमारा ब्लेसिंग वाला प्रोडक्ट है रिएक्शन का, हर एक प्रोडक्ट में हीरा है। अगर आप पहचान गए तो आप भी चमकेंगी, लोगों को भी चमकाएंगे आप। कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक अपंग बच्चा था, वो जब छोटा था स्कूल जाता था, उसका एक्सीडेंट से एक हाथ कट गया उसका। जब एक हाथ कट गया तो वो अपनी माँ को आके जिद करता है कि मम्मी मेरे को कराटे चैंपियन बनना है, वर्ल्ड कप में मेरे को नाम करना है। तो मम्मी बोलती है बेटा तुम नहीं कर सकोगे, तुम्हारा हाथ तो कट गया। तो बच्चा बोलते नहीं मेरे को करना ही है, मेरे को वर्ल्ड कप में नाम कमाना है और मुझे करना है, आप कुछ भी बोलो लेकिन मुझे करना है। सब लोग परेशान हो गए, मम्मी पापा सब परेशान हो गए। फिर उसको लेके गए क्लास में सर बोलते हैं बेटा तुम कैसे करोगे, तुम्हारा तो एक ही हाथ है। तो बोलते नहीं सर मुझे करना है। फिर उसको सर उनके जीत के सामने सर भी बोले कि चलो ठीक है आप करो। वो रोज जाता था क्लास में, उसको एक स्टेप बताया था कि बेटा ये स्टेप आप रोज करो। वो एक स्टेप रोज करता था, बहुत सारे स्टूडेंट आते थे, सबको अलग अलग स्टेप बताता था। वो काफी दिन हो गया तो वो बच्चे ने पूछा कि सर आप सबको अलग अलग स्टेप बताते हो, मुझे एक ही स्टेप क्यों बताते हो। तो सर ने उसको क्या जवाब दिया, अगर तुझे वर्ल्ड कप में जीतना है तो जो मैं बोलता हूँ वही करते रहो। करते करते काफी दिन बीत गया, 25 साल बीत गया वो बच्चे को, वो एक ही स्टेप करता था। अब वो बारी आ गई कि अब उसको वर्ल्ड चैंपियन में लड़ना है, लड़ने के लिए खड़ा हो गया वो। जब लड़ने के लिए खड़ा होता है वो तो उसके तो जख्मी हो जाते हैं ना, जब लड़ते लड़ते वो जख्मी होता है, गिर जाता है वो बच्चा। तो उसका सर क्या बोलता है, मैंने तुझे एक स्टेप सिखाया था उसका इस्तेमाल करो तुम। वो खून से लथपथ बच्चा उठा और वही स्टेप वो इस्तेमाल किया और वो जीता। सर ने उसे क्या सिखाया था कि जो ये एक इसका हाथ नहीं है, वो हाथ का स्टेप उसने नहीं सिखाया था उसको, जो हाथ से जीतना है वो स्टेप सिखाया था। वो बंदा जो हाथ में मारेगा तो वो तो हाथ है ही नहीं तुम्हारे पास, तो तुमको जो हाथ से सिखाया था उस हाथ का यूज करके उसने जीता। और खून से लथपथ होने के बाद में वो पूछता है सर को कि अभी मम्मी और पापा बोल रहे थे कि चलो बेटा डॉक्टर के पास जाते। बोलते मैं आज मैं सर से बात पूछना है मुझे कि उन्होंने मुझे एक ही स्टेप क्यों सिखाया। तो उसने एक ही स्टेप इसलिए सिखाया था कि उनको पता था कि इस बच्चे का एक हाथ नहीं है और एक ही हाथ से उसको करना है तो वो मेरा बंदा जीतेगा। और वो बच्चा जीता, वर्ल्ड कप में उसका नाम आया। तो कि आपका सोच ही आपको जिताएगा। सबसे पहली बात है, अभी मैं बोल रही हूँ आपको, आप मेरी बात को सुन रहे हो। सूरज को जानते हो आप, सूरज भगवान की पूजा करते हो, चांद भगवान की पूजा करते हो आप, सबकी पूजा करते हो। कोई अगर गाय रस्ते में चला जाएगा उसको प्रणाम कर दो, क्या करोगे? पंडित आपको बोलेगा आपका बेटे का नाम का ये अक्षर ठीक नहीं है, आप ये नाम का ये अक्षर बदलवा दो तो आपके बेटे का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, मंगल का अंगूठी पहनो आपको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, तो आप मंगल की अंगूठी भी मनवा के पहन लोगे। लेकिन मंगल की अंगूठी पहने, आपने मंगल की अंगूठी भी पहना के उसके कहने पे मंगल की अंगूठी भी आपने पहन लिया, आप शांत भी हो गए। कैसे शांत हुए आप बताओ मुझे? आपका बिलीव, आपने उस पर विश्वास किया, तो आपको अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? आप लोग सब लोग अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? जो चांद के ऊपर में, सूरज के ऊपर में लोग बोलते हैं, गाय की पूजा करते हैं, इसको पैर पढ़ लेते हैं, उसको पैर पढ़ लेते हैं, लेकिन खुद पे आपको बिलीव नहीं है। खुद पे बिलीव करना सीखिए। जिस दिन आपका दिमाग, जिस दिन आपका ये दिमाग आपके ऊपर भरोसा करने लगेगा, आप अपने ऊपर भरोसा करने लगोगे कि ये क्या है, आप लोगों को
जाए खाली होगा। ये क्या है? ये आप लोग को सबको दिख रहा है कि सुना है? अगर मैं बोलूँ ये तो सुना ही है, तो आप दो मिनट के लिए क्या करोगे? अरे यार जाने दो, मैडम बोल रही है नहीं है, ऐसा नहीं। आपको तकलीफ करना है कि चश्मा है, तो आपके पास देखिए एक छोटा सा बीज में बहुत बड़ा झाड़ बनने की क्षमता होता है। छोटा सा बीज लगाए तो बहुत बड़ा विशाल झाड़ बन जाता है, लेकिन वो बीज के अंदर में उतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने से और बने, लेकिन हम इंसानों के अंदर में वो क्षमता है कि हम अपने आप को विशाल बना दे। विशाल बनाने के लिए आपको अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा, और दिमाग को यूज करके आप बहुत महान बन सकती हैं। आपको आज 50 लोग जानते हैं, कल 100 लोग जानेंगे, परसों 500 लोग जानेंगे, परसों आपको हजारों लोग जानेंगे। और हजार लोग कैसे जानेंगे? जब आप मेहनत करेंगे, जब आप एक दूसरे को बताएंगे, जब एक दूसरे से मिलेंगी। और मिलना किससे है आपको? जो अच्छा मेहनती लेडी है, जिसके अंदर में वो कैपेबिलिटी है कि वो कर सकती है कि भाई नहीं मेरे को आगे पढ़ने का, नहीं मेरे को हस्बैंड से नहीं मांगने का ज्वेलरी के लिए पैसे, मेरे को खुद से कमाना है, इंडिपेंडेंट बनना है आज के तारीख में हर लेडीज को। अगर हर लेडीज अपने बारे में सोचने लगे कि नहीं मेरे को कुछ करना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे हस्बैंड से नहीं मांगना, हस्बैंड तो है अपना, अपने को देने का है, उनको सपोर्ट करना है, लेकिन जब उसको सपोर्ट करने के लिए आप अपने आप के बारे में सोचोगे कि नहीं भाई हमें कुछ करना है, तब आप कुछ कर सकती हैं। तो वही एक छोटा सा बीज जब झाड़ बन सकता है, तो आप लोग भी अपना मेहनत करके कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मैं 7 लेडीज को यहाँ बुलाना चाहूंगी, 7 लेडीज आ जाइए आप लोग।